हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक दो दिन तो एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, मैंने भेजा भी गया, मैंने मैसेज भी किए हैं कि आपने दाढ़ी मूछ के बारे में कुछ मजाक उड़ाया है। मैं वो वीडियो बार बार वेखन दी है दो दिन, तो मैं थानू भी रिक्वेस्ट करांगी कि प्लीज़ आप लोग भी वो वीडियो देखो। और मैंने कहीं भी किसी धर्म या किसी कास्ट के बारे में नहीं बोला कि इस धर्म के लोग ये दाढ़ी रखते हैं और ये प्रॉब्लम्स होती हैं, कदी भी। मतलब तुसी आप वीडियो देख लो, उहदे विच मैं कदी भी किसी पंजाबी बारे नहीं बोलिया कि पंजाबी लोग दाढ़ी रखते ने या दाढ़ी मूछा नाल यह प्रॉब्लम होंदी है। मैं एक मतलब जेन्युइन गल कर रही थी, कॉमेडी कर रही थी अपनी फ्रेंड दे नाल कि दाढ़ी मूछ ते अजकल हर कोई रखता है, बट अगर मेरी ए लाइना वालों अगर किसी भी धर्म जात दे लोग हर्ट होए ने तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मंगदी हाँ। मैं खुद पंजाबी हाँ, अमृतसर पैदा हुई हाँ, तो मैं पंजाब का मान पूरा रखांगी और मैं पता है कि पंजाबी होने के नाते मैं प्राउड है कि मैं पंजाबी हाँ। हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक दो दिन तो एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, मैंने भेजा भी गया, मैंने मैसेज भी किए हैं कि आपने दाढ़ी मूछ के बारे में कुछ मजाक उड़ाया है। मैं वो वीडियो बार बार वेखन दी है दो दिन, तो मैं थानू भी रिक्वेस्ट करांगी कि प्लीज़ आप लोग भी वो वीडियो देखो। और मैंने कहीं भी किसी धर्म या किसी कास्ट के बारे में नहीं बोला कि इस धर्म के लोग ये दाढ़ी रखते हैं और ये प्रॉब्लम्स होती हैं, कदी भी। मतलब तुसी आप वीडियो देख लो, उहदे विच मैं कदी भी किसी पंजाबी बारे नहीं बोलिया कि पंजाबी लोग दाढ़ी रखते ने या दाढ़ी मूछा नाल यह प्रॉब्लम होंदी है। मैं एक मतलब जेन्युइन गल कर रही थी, कॉमेडी कर रही थी अपनी फ्रेंड दे नाल कि दाढ़ी मूछ ते अजकल हर कोई रखता है, बट अगर मेरी ए लाइना वालों अगर किसी भी धर्म जात दे लोग हर्ट होए ने तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मंगदी हाँ। मैं खुद पंजाबी हाँ, अमृतसर पैदा हुई हाँ, तो मैं पंजाब का मान पूरा रखांगी और मैं पता है कि पंजाबी होने के नाते मैं प्राउड है कि मैं पंजाबी हाँ।